जय श्री राम। आज का विषय है अयोध्या। कोसल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, जो प्रचुर धनधान्य से संपन्न है, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में समस्त लोगों में विख्यात अयोध्या नगरी है, जिसे मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, यानी स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। अयोध्यापुरी आयता दश च द्वे च योजनानी महापुरी, यानी 12 योजन लंबी व 3 योजन चौड़ी थी। महाराजा मनु के बाद सूर्यवंश में अनेक चक्रवर्ती सम्राटों का की राजधानी रही, जिन्होंने यहाँ हजारों लाखों वर्षों तक शासन किया। सम्राटों की इसी श्रृंखला में चक्रवर्ती नरेश दशरथ ने इस नगरी को राजधानी बनाकर शासन किया, जिनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का पुत्र के रूप में जन्म हुआ। इसी पुरी में बाहर के जनपदों को आने वाले चौड़े मार्गों पर प्रतिदिन जल का छिड़काव होकर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे। राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने धर्म और न्याय के बल से इंद्र की अमरावती पुरी के समान संवारा था। पुरी के सभी दरवाजों पर बड़े बड़े फाटक थे। समतल भूमि पर बसी पुरी में सतमहले प्रासाद बने हुए थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर सुरक्षा के लिए सैकड़ों शतघ्नियाँ यानी तोपें रखी जाती थी। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पुरी रहती थी, जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। वहाँ 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुँचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। जिससे कोई युद्ध में जीत न सके या जिसे युद्ध करके कभी भी न जीता जा सके, इसी से इसका नाम अयोध्या पड़ा। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा स्वधर्माचरण का पालन करते हुए अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। अयोध्या में कहीं भी कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहारों से शून्य नहीं था, न ही कोई अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य था। अयोध्या में ऐसा कोई नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। वह जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था कि मानो ईख का रस हो। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिनमें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक कविश्रुता, यानी ऐसी थी पवित्र और शत्रुओं के लिए अभेद्य अयोध्यापुरी नगरी। चैत्र शुक्ल नवमी, जो भगवान श्रीराम का प्राकट्य दिवस है, यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा कर भक्त धन्य और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। राजर्षि मांधाता, सत्यवादी हरिश्चंद्र और भगवान श्रीराम परलोक जाते समय अपने साथ संपूर्ण अयोध्या के चराचर प्राणियों को भी साथ ले गए, सभी परमपद को प्राप्त हो गए। भारत माता की जय।